तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जा रही हूँ मेरी कॉलेज में सुबह सुबह, इसलिए ठंडे, इसलिए मैंने स्वेटर पहनी है और मास्क भी लगाया क्योंकि मुझे सर्दी हो जाती है। तब आप क्या कहना चाहेंगे, इतनी ठंडी क्यों है? अरे भैया, हम नए आए हुए हैं, इनसे पूछ लिया। बज होते हैं हमारे, वो फ्रिज खोल के चले गए थे तो ठंडी बढ़ गई। तो मैं अभी खड़ी हूँ शहीद के रास्ते पे, आप देख सकते हो। A few minutes later. और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ पार्टी में, बस के बहुत धक्के खा के। अच्छा, फाइनली पहुंच ही गई मैं। अब मैं जाऊंगी चल के मेरी हॉस्टल में, क्योंकि वहां से कोई बस नहीं जाती है, इसलिए मुझे चल के ही जाना होगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। का आप भी मेरे साथ चले, आपके रास्ते में मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गाइस, पार्टी से मेरी कॉलेज 10-15 मिनट तो मैं अभी जल्दी जा रही हूँ। यहाँ पे हनुमान जी का बहुत ही अच्छा मंदिर है, हम सब दर्शन करेंगे हनुमान जी के। कौन कहता है कलयुग में भगवान दर्शन नहीं देते? 56 बार जिनको भगवान का साक्षात्कार दर्शन हुआ। हाय, इतना सुकून। मैंने तो दर्शन किया, आपने किया हनुमान जी के दर्शन? मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ दर्शन करना, क्योंकि जब भी मैं यहाँ दर्शन करती हूँ तो मुझे एक सुकून जैसा मिलता है कि बस ऐसा, फिर मैं कॉलेज जाती हूँ। अब्बास बेटा, मैंने आपको ये तो बता दिया कि मैं मेरी कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन क्यों जा रही हूँ तो मैंने आपको बताया ही नहीं। आज गरबा डे है हमारी कॉलेज में, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है गरबा गाना। बातें करते करते तो हम गुजरात कॉलेज में पहुंच गए। तो आपको दिखाते हैं गुजरात कॉलेज, आपने तो आई थिंक अभी देखी नहीं है ना। मैं दिखाती हूँ, चल के चल के तो मेरी सांस ही रुक गई यार, रोज ऐसा होता है। ये रही गुजरात कॉलेज और मैं यहाँ बिल्कुल पास से गुजर रही हूँ। Hours later. तो गाइज, मैं अभी गुजरात कॉलेज में आई हूँ और आज मैं मेरी फ्रेंड को मिल, बहुत टाइम बाद हम मिलेंगे, हम हॉस्टल में साथ थे लेकिन जब से हॉस्टल से निकल गए तब से मिले नहीं। दुख का खत्म नहीं होता बे। और मैं उसको मिलूंगी, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उसको मिलने के लिए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देखो ये दूर से जो दिख रही है आपको, यही मेरी फ्रेंड है, उसे नहीं पता कि मैं आई हूँ। इतना सुकून, मुझे देख के बहुत ही खुश हो गई है। ये देखो, इसको तो कुछ मतलब ही नहीं है मैं आई हूँ या नहीं आई हूँ, देखती नहीं मेरे सामने, इससे मिलो ये बहुत ही वो है। अब मास्क निकालो ना यार। स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही। ये मेरी संस्कारी बेस्टी है, मैं बहुत संस्कारी हूँ। ये देखो, ये अभी चबा ही रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? इसी हमारी गुजरात कॉलेज है, गुजरात की सबसे पुरानी कॉलेज है। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट है वो साइड। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। उस साइड कॉमर्स बिल्डिंग है। ये देखो वांडा लोग बैठते हैं वांडा विलास में, स्पेशल है गुजरात कॉलेज का वांडा विलास। कपल भी वहाँ बैठते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बस आप देखिए पीछे का वातावरण, सब मीटिंग, ये देखो यहाँ सब मीटिंग चल रही है।
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये देखो ये आर्ट्स वाली बिल्डिंग है, ये रहा वांडा विलास। अगर आप भी वांडे हो तो आप भी आ सकते हो यहाँ पे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो कितने सारे वांडे हैं यहाँ। ये फ्री फायर वाला, ये पुस्तकालय जो कोई भी नहीं पढ़ता यहाँ पे। कोई भी नहीं, सिर्फ हम नहीं पढ़ते, बाकी तो पढ़ने वाले तो पढ़ते ही हैं। गजब बेइज्जती है। गाइस ये हमारी कॉलेज की केमिस्ट्री मीटिंग है जिसकी हालत अभी थोड़ी खराब हो गई है, लेकिन उसको भी अच्छा करना ही है। अभी आगे भी बहुत सारा चल रहा है लेकिन हमको जोर आता है इसलिए हम चल नहीं पाते यार, बहुत ही कठिनाई है अभी। मैं ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। ये देखो ये गैंग है, हम लोग कभी जाते घुसने जाते सिर्फ पूरे खाने की इच्छा होती है तो चले जाते। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।